राष्ट्र आज संविधान अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज ही के दिन संविधान को अंगीकार किया गया था। संविधान दिवस के अवसर पर दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों के लिए कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गरीबों को अपना घर मिल रहा है और देश में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। श्रीमती मुर्मू ने देश के सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वो संवैधानिक आदर्शों को अपने व्यवहार में अपनाएं और अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें और 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करें। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है। ऐसे समारोह हमारी एकता को मजबूत बताने की तथा ये दर्शाते हैं कि राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों में हम सब एक साथ हैं। हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान अनेक महान विभूतियों ने हमारे राष्ट्रीय आदर्शों को रेखांकित किया था। हमारी संविधान सभा में हमारे देश की विविधता को अभिव्यक्ति मिली थी। संविधान सभा में सभी प्रांतों और क्षेत्र के प्रतिनिधियों की उपस्थिति से अखिल भारतीय चेतना को शोर मिला था। संविधान सभा के वाद विवाद तथा सदस्यों के संबोधनों में हमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया के साथ साथ अपने देश के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त होती है। संविधान दिवस के अवसर पर सरकार ने आज से एक वर्ष तक चलने वाले समारोह की शुरुआत की है। ये समारोह 26 नवंबर 2025 तक देश भर में आयोजित किए जाएंगे।